सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, और आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो आपको एक बात और बतानी थी, आज है फ्राइडे, तो अभी मैं ये जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने एक आई बटन में आपको एक पोल दिया है कि आपको यस बैंक के स्टॉक के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए क्या। तो जिन लोगों को भी चाहिए वो यस करे और जिन लोगों को नहीं चाहिए वो नो करे। अगर ज़्यादा वोट यस के लिए आए तो मैं मॉर्निंग को यस बैंक के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ वोट कीजिए। आई बटन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो अभी मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,823 के पास, 860 के नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी यहाँ से क्या करें, तो पहले तो हम लोग ऑप्शन डेटा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। तो मेरे सामने अभी मंथली ऑप्शन चेन है 27 जून की, तो आज 11,823 की क्लोजिंग आई है। इसका मतलब हम लोग 11,800 और 850 के बीच में एट दी मनी है। तो 11,600 के लेवल के ऊपर अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 11,69,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। अगर और नीचे के लेवल की बात करें तो 11,500 के ऊपर कॉल साइड में 6,82,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 11,500 के पास निफ्टी के लिए मंथली बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 11,800 के ऊपर कॉल साइड में 5,71,200 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। वही पुट साइड में अगर देखेंगे तो 16,91,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में मंथली बेसिस पे हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस के पास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर और उसके बाद में 12,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर खड़ा है, तो वो खड़ा है 11,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 26,68,000 का और उसके बाद में हमें सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 16,91,000 का, जो कि है 11,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो आप देखोगे मंथली बेसिस पे भी 11,800 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी को इम्पॉर्टेंट है ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना, 11,800 के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। बट अगर 11,800 के नीचे निफ्टी जाता है तो हमें 11,600 और 650 तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो अभी वीकली ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। तो अभी मेरे सामने 20 जून की ऑप्शन चेन है, 800 और 850 के बीच में एट दी मनी है। तो 800 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 10,78,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है 11,900 के
स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कि है 21,88,000 का। और आज अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 11,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 11 लैक्स की, और 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 11,05,875 की। वही अगर पुट साइड में हम देखेंगे तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 10 लैक्स का, जो कि है 11,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और आज अगर आप देखेंगे तो राइटिंग भी हुई है 1,98,000 की और 2,15,000 की 11,500 और 11,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो अगर एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें इस हफ्ते के लिए निफ्टी की, तो वो यहाँ से निकल के आ रही है 11,600 से लेके 12,000 के बीच में। तो अभी ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो अभी चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर से निफ्टी 50 के। सो आज निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है और निफ्टी 50 आफ्टर रेंज बाउंड मूव एक्सटेंडेड लॉसेस शार्पली इन लेट ट्रेडिंग सेशन टुडे। सो इंडेक्स एंडेड शार्पली लोअर बट मैनेज टू होल्ड 11,800 लेवल्स एंड फॉर्मिंग अ बेरिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट पे भी निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो निफ्टी जो है वो ये ट्रेडिंग रेंज में है 760 से लेके 12,040 के बीच में। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन से यही इसी में ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ से जो है वो निफ्टी के लिए ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग बिटवीन 760 एंड 12,040 जोन्स। सो अभी इस रेंज का ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए निफ्टी 50 में। सो निफ्टी 50 ओपन लोअर एट 11,910 टुडे एंड इंट्राडे लो किया था 11,797 का, बट अभी 800 के ऊपर की क्लोजिंग हमें दे दी है 11,823 के ऊपर। सो निफ्टी 50 रजिस्टर्ड बेरिश कैंडल ऑन डेली एज वेल एज ऑन वीकली चार्ट्स, देयर बाय निगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हैमर फॉर्मेशन। जो 13 जून को ये हैमर बना था, अभी इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है। तो अभी यहाँ से निफ्टी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अगर निफ्टी 800 के नीचे फिसलता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में, तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा जो कि है 11,760 के ऊपर। और अगर 11,760 टूटता है तो और करेक्शन हो सकता है निफ्टी में, जो निफ्टी को लेके जा सकता है 11,600 तक भी। तो अभी इन सच सिनेरियो करेक्शन शैल गेट फर्दर एक्सेंचुएटेड विद अ डायरेक्शनल मूव एमर्जिंग ऑन द डाउनसाइड विद इनिशियल टारगेट्स ऑफ 11,600 एंड इवेंचुअली द टेस्ट ऑफ बुलिश गैप जोन रजिस्टर्ड ऑन May 20। जो बुलिश गैप जोन निफ्टी ने रजिस्टर किया था यहाँ पे 591 से लेके 420 तक, वहाँ तक भी निफ्टी जा सकता है अगर निफ्टी ने ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो 660 के नीचे एक बार निफ्टी फिसला तो वो बुलिश गैप जोन टेस्ट करने के लिए जा सकता है जो उसने 20 मई को बनाया था। सो आज इंडिया वीक्स मूव्ड अप बाय 2.10% एंड 13.94 लेवल्स। सो अभी यहाँ से क्या दिख रहा है, सपोर्ट की तरफ एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में। तो अभी निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो है 11,750 से लेके 12,100 के ऊपर। अभी 760 के ऊपर निफ्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी जो है वो हम अपमूव देख सकते हैं 12,000 और 12,100 के तरफ। अभी निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभी निफ्टी जब तक 880 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक उसके चांसेस है 760 और 660 तक जाने के। तो 11,880 का जो लेवल है अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो वो और डाउनसाइड में जा सकता है। तो अभी
निफ्टी के लिए डाउनसाइड के लिए हमारे टारगेट्स क्या है। जब तक 880 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी जो है वो 760 और 660 तक भी जा सकता है। वही अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए जो हडल है निफ्टी के लिए वो पहला जो हडल है वो है 880 का लेवल और उसके बाद में 965 और 12,000 का लेवल। सो अभी आप देख सकते हो कि हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को मिला है और निफ्टी जो है वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रही है। सो, ये तो मेरे लेवल्स निफ्टी 50 के लिए। मैंने जो भी लेवल्स आपको बताया है वो सब अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चलो, आपको ट्रेडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो, अभी एक और बात मुझे आपको बतानी है, मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में बताना। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट 2। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को 1000 लाइक्स दे दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही लाइक किए बिना चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर 1000 लाइक्स आते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर, जो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस वीडियो को 1000 लाइक आते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। सो, बस मैंने बता दिया है, अभी फटाफट से लाइक करो। सो, अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 30,614 के पास। मैंने जैसे आपको बताया था कि 30,500 तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है अगर वो 31,150 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अभी 30,614 की क्लोजिंग आई है। हम लोग वीकली ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो मेरे सामने 20 जून की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और आज की क्लोजिंग आई है 30,614। तो हम लोग 30,600 के ऊपर एट दी मनी है। तो एक बार 30,000 के लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 30,000 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 12,200 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने 3,35,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में खड़ा दिखाई दे रहा है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो 30,000 के पास एक निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। 30,500 के लेवल की बात करें तो 30,500 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 79,340 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 3,20,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 7,96,000 का, जो कि है 31,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो निफ्टी बैंक के लिए अभी हडल जो है वो है 31,000 का लेवल। इसके ऊपर निफ्टी बैंक को एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। आप देख सकते हो आज भी वैसा ही हुआ था। तो ऊपर के लेवल पे निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर पुट साइड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल वो दिखाई दे रहा है 3,35,000 का, जो कि है 30,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो निफ्टी बैंक के लिए अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 30,000 का लेवल। अभी जब तक 30,700 के नीचे निफ्टी बैंक है तब तक 30,000 के लेवल तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है यहाँ से। तो अगर हम आज राइटिंग की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा हमें कॉल्स में एडिंग दिखाई दे रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की 5,39,000 की, जो कि है 31,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में आज कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें 30,200 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है, जो कि है 1,08,000 की। तो अगर एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक की जो ट्रेडिंग रेंज यहाँ से निकल के आ रही है वो है 29,500 से लेके 31,500 के बीच में। तो अभी चार्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस तो कर लिया, अभी देखते हैं चार्ट के ऊपर से बैंक निफ्टी के।
तो अभी बैंक निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है मेरे सामने और आज बैंक निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है रेड कलर की. सो बैंक निफ्टी फेल टू सरपास प्रीवियस डेज हाई एंड डिक्लाइन नियरली 400 पॉइंट्स टू क्लोज नियर इट्स लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज 30,600 के पास. सो इट वॉज डाउन 361 पॉइंट्स एट 30,614 एंड फॉर्म अ बेरिश कैंडल ऑन डेली एज वेल एज ऑन वीकली स्केल विच सजेस्ट बियर्स आर होल्डिंग टाइट ग्रिप एट हाइयर जोन्स. सो अभी यहाँ से निफ्टी बैंक में क्या इंपॉर्टेंट है. सो जब तक निफ्टी बैंक 31,000 जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तब तक ये अपने लॉसेस कहाँ तक जा सकता है लेके 30,250 और 30,000 के जोन तक. जैसा मैंने ऑप्शन डेटा में बताया था जब तक निफ्टी बैंक 31,000 के नीचे है तब तक ये अपने लॉसेस कहाँ तक लेके जा सकता है 30,200 और 30,000 के जोन के तरफ. वही अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में सबसे बड़ा जो पहला हडल है वो है 30,750 का लेवल देन 31,000 और 31,300 का लेवल. तो निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट क्या है. निफ्टी बैंक के लिए अभी जो यहाँ से सपोर्ट है वो है 30,500 का लेवल और उसके बाद में 30,250 और 30,000 के लेवल पे निफ्टी बैंक के लिए एक सपोर्ट यहाँ से बना हुआ है. वही अगर अपसाइड की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए तो वो है 30,750 का लेवल और उसके बाद में 31,000 का लेवल और 31,300 का लेवल. तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर मैंने अपने लेवल्स बता दिए हैं. आप सब अपने चार्ट के ऊपर इन सब लेवल्स को मार्क करके चलो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और जैसा मैंने वीडियो के पहले कहा था कि मैंने आई बटन में एक पोल दिया है तो जिन लोगों को भी वीडियो चाहिए यस बैंक के ऊपर तो वो लोग यस करें या फिर नहीं चाहिए तो नो कहे ताकि मैं अगर मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा कमेंट पोल के रिजल्ट्स के ऊपर ही वीडियो अपलोड करूँगी. और इस वीडियो को अगर 1000 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट 2 के ऊपर. और आप मुझे कमेंट सेक्शंस में सजेशन देते रहिए कि मैं कौन से टॉपिक और कवर करूं ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो सके. क्योंकि अभी देखो मुझे सिर्फ वीकेंड को टाइम मिलता है मैं डेली ऐसे नहीं कर सकती इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में कहा है आपको ताकि मैं वीकेंड को वीडियो बना सकूं. सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना. अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करके जाना. अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देना और उनको भी कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा. सो बस आज के वीडियो में इतना ही था. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय टेक केयर ट्रेड केयरफुली और पोल करना मत भूलिए और 1000 लाइक फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.